I love you. यही बात जब आप स्टेज पे कहती हैं तो खेसारी लाल यादव एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये लोगों को कितना मजा आ रहा है। वो उनकी मस्ती तो नेक्स्ट लेवल रहती है। जब सपना चौहान को ऑफर आया था खेसारी जी के साथ काम करने का, क्या रिएक्शन था? मतलब मेरा ऐसा रिएक्शन था, ओह माय गॉड, सच में? क्योंकि मैं तो फैन थी ना सर की। सपना चौहान जी जिस गाने में काम कर रही है वो गाना 100 मिलियन। साउथ के हीरो वाला लुक रखला यार, हमारे डैड में बंदूक रखला। सपना चौहान जी को भोजपुरी में गायकी किनका पसंद है और भोजपुरी में एक्टिंग किनका पसंद है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों भी हमारे साथ भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन हमारे साथ सपना चौहान जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज पर एक बार फिर से, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरा दिल से प्रणाम, गोड़ लगातानी सभी को। अच्छा, सपना चौहान जी जिस गाने में काम कर रही है वो गाना 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, ट्रेंडिंग, मतलब गाने ही ऐसे सिलेक्ट कर रही है या जिस गाने पे हाथ रख दे रही है वो गाना मार्केट में ट्रेंड कर जा रहा है? सबका प्यार है मेरे लिए, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो इतना, मतलब इतने व्यूज आते हैं, इतना मिलियंस में मेरे गाने जा रहे हैं। आप सभी का प्यार है और क्या है, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है ये जो मुझे बहुत भर भर के मिल रहा है। अच्छा, नींबू खरबूजा या उसके बाद साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हमार डांड में बंदूक रखेला, ये गाना जब नींबू खरबूजा जब रोड पर सुनती हैं अचानक से चलते हुए, क्या फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि वो गाना, एक तो खेसारी जी की वॉइस ऑसम, और वो कोई भी गाना गाते हैं वो हमेशा सुपर डुपर हिट होता है। तो मतलब जब भी मैं सुनती हूँ मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं, मतलब लाइक मैं इस गाने को करने नहीं वाली थी, लेकिन ये गाना जब किया तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, और इतना प्राउड फील होता है कि लोग पसंद करते हैं मुझे। अभी उस समय पे, जिस समय पे समझिए खेसारी लाल जी को लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे खेसारी लाल जी आए और तुरंत 1 महीने के अंदर 100 मिलियन। ये तो बात है, इसीलिए तो उनका नाम ट्रेंडिंग स्टार है, और वो इतने हार्ड वर्किंग है, इतने प्यारे हैं कि उनसे सीखने को मिलता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है तो उसका फल भी उनको मिलता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छा, जैसे आप बताए वो गाना जब आपको ऑफर किया गया था नींबू खरबूजा, क्योंकि पहला तो बहुत बड़ा सुपरहिट रहा कैसेट के ज़माने में, उसके बाद जब ये गाना आपको ऑफर हुआ तो उस टाइम क्या लग रहा था कि ये गाना मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा, क्या फील कर रही थी? नहीं, सर ने मुझे जैसे बोला कि ऐसा गाना करना है, ये गाना है, सुन लो, ये बहुत वायरल। एक्चुअली हम लोग एक शूट पे हम लोग गए हुए थे नेपाल, वहाँ से हमारी कोई क्लिप वायरल हो गई थी, तो वो पुराना वाला गाना लेके, वो बाल तो हर कर जप जप, वो बहुत वायरल हो गया वहाँ से। तो फिर सर ने बोला कि कुछ प्लान करते हैं इसका, तो जब उन्होंने सुनाया कि हाँ बेटा तुम करो, इसको बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, क्या पता बूस्ट कर जाए। तो सर की मेहनत और सभी टीम की पूरी मेहनत से आप सभी के बीच में है आज के डेट में, वो 150 मिलियन हो गया है 1 मंथ के अंदर। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अच्छा, चाहेंगे ये गाना इतना बड़ा हुआ, चाहेंगे ये गाना 2 लग, अब सिंगर नहीं फिर भी जैसा आप गुनगुना दीजिए। बाल तो हर कर झप 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 झप, कमर तो हर कर लप 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 लप, कि नींबू खरबूजा भइल मैडम, कि नींबू खरबूजा भइल। अच्छा, आपको लगभग शब्द जो है वो लगभग भोजपुरी के समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी गाने में इस तरह से आप लिपसिंग कर देती हैं कि ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे कुछ गाने तो समझ, मैं एक बार सुन लेती हूँ ना, मीनिंग पता नहीं चलता है, हाँ सुन लेती हूँ, फिर लिपसिंग का बिठा देती हूँ कि अच्छा हाँ इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करता है। बाकी जो मेरे साथ पूरी जो टीम रहती है जिनका मैं गाना करने आई हूँ, या मेरे को आर्टिस्ट रहते हैं, या साथ में कोई भी हो, मतलब अपने डायरेक्टर हो, चाहे मतलब वो जो कोरियोग्राफर हो, वो सिखाते हैं कि इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा समझ पाती हूँ, बाकी मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, डांड में बंदूक,
जब कल्लू जी के गाने का ऑफर हुआ था उस टाइम में क्या लग रहा था गाने को सुनकर? उस टाइम तो मैंने डमी सुना तो मुझे इतना अजीब लगा कि क्या है ये लेकिन इतना प्यारा वो गाना बना है टचवुड, इतना प्यार दिया लोगों ने उस गाने को, 1 मिलियन उसका रील चला गया। हाँ रील चला गया 15-16 दिन के अंदर। हाँ 15-16 दिन के अंदर, और उसमें जो हमारा लुक क्रिएट किया है कमाल का है, कमाल का साउथ का लुक तो फैब है उसमें। और वो गाना 0 सब्सक्राइबर से आया और इतने जल्दी जो है इतना बड़ा गाना हो गया। देखो मेरे दोनों गाने नींबू खरबूजा भी और बंदूक भी दोनों 0 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब वो आए तो मतलब इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया मतलब इतना प्यार, मतलब गर्दा कर देते हैं आप सभी। अच्छा अभी तो सब लोग कहते हैं कि भाई हमारे गाने में सपना चौहान ही होनी चाहिए, भले 2 दिन लेट गाना शूट करेंगे लेकिन वही होनी चाहिए क्योंकि वो जिस गाने पे काम कर रही है वो गाना मार्केट में 100 मिलियन। नहीं नहीं आप सभी प्यार ही इतना देते हैं कि मतलब वो गाना हिट हो जाता है। अब मेहनत तो सबकी रहती है, ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि इसको मैंने हिट कर दिया, इसको मैंने, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। मेरी अपनी मेहनत है, सिंगर की अपनी मेहनत है, एक्टर की अपनी मेहनत है, प्रोड्यूसर की अपनी मेहनत है, जो वीडियो शूट करते हैं उनकी अपनी मेहनत है, कोरियोग्राफर, इवन डांसर्स लोग, लाइट मैन से लेके हर चीज़, सब बहुत मेहनत करते हैं। और वो मेहनत जब दिखती है ना तो बहुत मज़ा आता है, और जब वो उसको प्यार मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, और इतनी एनर्जी आती है, इतना ऐसा लगता है कि अब और कुछ इससे भी बड़ा करना है। अच्छा अभी स्पार्क म्यूजिक का कुछ गाने जो है शूट हो रहे हैं बनारस में, इस ये सब गाना जो है किस तरह का होने वाला है, कब ऑडियंस को देखने को मिलेगा? ये जो गाने हैं बहुत प्यारे गाने हैं और थोड़े नोकझोंक वाले हैं, थोड़े प्यार वाले गाने हैं, रोमांटिक सॉन्ग है, और जब ये आएंगे तो मतलब तहलका मच जाएगा क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली गाने शूट हो रहे हैं। और शिवानी इसमें सिंगर हैं तो उनकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत स्वीट है वो। शी इज़ अभी शायद 15 या 16 की है वो, मे बी शायद 15-16 साल की है, लेकिन इतनी अच्छी वॉइस, वाह कमाल है। गाना बहुत प्यारा है, गाने मेरे बहुत प्यारे हैं, यानी कि गाना शूट करके भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इवन अभी हम लोग जब मैंने शुरू, मतलब जब मुझे सर ने भेजा था तो मतलब कि मैंने सुना तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये क्या मतलब, मीनिंग क्या हुआ होगा इसका, इसका क्या मतलब होगा। फिर मैंने यहाँ पे आके पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब इतना प्यारा प्यारा था, मतलब ऐसा लगा कि वाओ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए मार्केट में। तो ये बहुत प्यारी मतलब हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक है। अच्छा अभी आप इतने सारे लगातार गाने भी कर रही हैं और लगातार स्टेज परफॉर्मेंस भी लगातार देखने को मिल जा रहा है ऑडियंस को, स्टेज जब करती हैं और लाखों नहीं समझे कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों का भीड़ दिखता है तो कैसा लगता है? बहुत प्यारा दिखता है, मतलब लाइक जब मैं पहली बार कोलकाता में शो पे गई थी खेसारी जी के साथ तो इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, मतलब हाय, मतलब ऐसा लगा कि वाओ। लोग जब इतना प्यार देते हैं ना तो मतलब मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा हुटिंग हो रही थी, वाओ सपना चौहान, खेसारी लाल यादव, हम लोगों की परफॉर्मेंस, मतलब इतना मज़ा आया मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम इवेंट किया था वैसा, तो मतलब इतना प्यार देख के मतलब ऐसा मन सब भावुक सा हो गया कि लाइक वाह, इतना इतने लोग पसंद करते हैं, इतना लोग देखते हैं हमें, मतलब मैं कहाँ हिमाचल से आई हूँ लड़की और मुझे कुछ समझ नहीं है, बस कर देती हूँ जो भी बोलते हैं मुझे सामने से, और इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, वाह थैंक यू, आई लव यू ऑल, बस ऐसे ही प्यार देना। अच्छा यही बात जब आप स्टेज पर कहती हैं तो खेसारी लाल यादव एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये लोग को कितना मज़ा आ रहा है। वो उनकी मस्ती तो नेक्स्ट लेवल रहती है स्टेज के साथ, स्टेज करने के बाद एक अलग ही एनर्जी आता है। हाँ क्योंकि वो इतने एनर्जेटिक है ना, मतलब वो कुछ भी करते हैं वो हिट होता है, तो उनको 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 पता है कि हिट कैसे करना है। अच्छा सबसे पहला जब सपना चौहान को ऑफर आया था खेसारी जी के साथ काम करने का, क्या रिएक्शन था? मतलब मेरा ऐसा रिएक्शन था ओह माय गॉड सच में, क्योंकि मैं तो फैन थी ना सर की, तो उनका नथुनिया गाना चल रहा था उस टाइम पे, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैं एक मूवी के लिए आई थी चिंटू पांडे जी के साथ, वो फिल्म हो रही थी दिल सच्चा चेहरा झूठा, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसका सेकेंड शेड्यूल नहीं हो पाया। तो उस फिल्म में जो मेरी मदर का कैरेक्टर करी थी बीना पांडे जी, उनके साथ उनका मतलब उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड है
तो उन्होंने बोला कि मैं, अरे मैं बात कराती हूँ ना, मैंने बोला प्लीज़ बात कराइए कि सारी चीज़ें, मतलब इतना बड़ा स्टार और इतना इजीली वो मुझे बोला मैं बात कराती हूँ ना, मैंने बोला ओ माय गॉड। फिर बात हुआ, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके गाना प्लान करते हैं। तो मैं थोड़ी सी चबी थी उस टाइम, उन्होंने बोला अरे वेट लूज़ करो अपना मुझे लगा यार यहाँ तो सब चबी चबी सी लड़कियाँ होती है, बोलते नहीं नहीं मुझे बहुत फिट लड़की चाहिए होती है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जिम करते हैं ना वो, तो उस वजह से उन्होंने बोला थोड़ा स्लिम हो जाओ। मैं बोला ओके देखते हैं, पर स्लिम आज तक नहीं हो पाई मैं ऐसी की ऐसी हूँ चबी चबी सी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसा लगा कि ओ माय गॉड मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि खेसारी लाल यादव का वाह साथ में काम करना है, साथ एक स्क्रीन शेयर करना है, मतलब आपका फेस। और जब मैंने पहला फ़ोटो पोस्ट किया था, मतलब इतने ज़्यादा फैंस उनके जुड़ गए थे मेरे साथ, ओ माय गॉड कौन सा गाना आ रहा है, खेसारी लाल यादव जय हो जिंदाबाद फलाना ढिमकाना, मतलब इतना क्रेज़ी है उनके फ़ैन उनको लेके, मतलब उनके उनके ट्रू फैंस हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आया था। अच्छा डर लग रहा था कि नहीं उनके साथ जब गाने कर रही थी तो? ना बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे है ही नहीं, इतने प्यारे थे, मतलब उन्होंने पहली बार आते मुझे इतना कंफर्टेबल फील करा दिया कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे गाना है। हमारा पहला गाना था नचनिए कारण, मुझे याद है मैं एक शॉट दे रही थी, पहला शॉट दे रही थी, उन्होंने उन्होंने बोला यार ये कर तो लेगी ना, पता नहीं अब देखने में तो लग रही है कि करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि होता है ना रील पे कुछ और होता है और रियल पे कुछ और होता है, तो उनको ऐसा लगा कि यार ये भी शायद वैसी ही होगी। और जब मैंने पहला शॉट दिया उसके बाद से उनको इतना कॉन्फिडेंस आया, उनके बाद बोलते अरे नहीं नहीं अब ना थोड़ा ऐसे एनर्जी देना, अब थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन देना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा स्टार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, ऐसा लगता है इक्वल है, तो ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं खुद को। अच्छा अभी घर पर जब जाती हैं तो अगल बगल के लोग क्या कहते हैं कि हमें भी खेसारी लाल से मिलाओ ना? हाँ एग्जैक्टली बोलते अरे सुनो ना हमें भी हमारी बात भी कराना उनसे मैं बोलती हूँ पक्का, मैं तो बहुत सारे लोगों की बात भी कराई है, मतलब ऐसा होता है ओ अच्छा हाँ मैं बात अभी कराती हूँ बात यहाँ मेरे तो बहुत खास है तो ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि अच्छा, अभी और कौन कौन सा गाना जो है खेसारी जी के साथ में लगभग होने वाला है, कब ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? गाने एक्चुअली हमारे बहुत से शूट होके रखे हैं, क्योंकि थोड़ा उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी वो जो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली हमारे बैक टू बैक सॉन्ग्स आएंगे। चलिए सपना चौहान जी ने स्टार न्यूज को इतना समय दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं दिल से धन्यवाद वंस अगेन, और आप सभी बहुत प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए। अच्छा डार में बंदूक दो लाइन, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमर डाड में बंदूक रखेला, आशिल्पी बहुत प्यारा गाती है। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा सपना चौहान जी, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग स्टार न्यूज देख रहे थे।